हे हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद आशिफ और आप देख रहे हैं AF फिटनेस। और यहाँ पे आपको फिटनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं और इंशाल्लाह मिलती भी रहेंगी। आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन के बारे में, इसकी डिटेलिंग के बारे में, इसका प्रोसेस क्या है, ये कितने टाइप्स के हैं, इसमें कौन सा बेहतर है, इस बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, यानी नुकसान और फ़ायदे के बारे में भी बात करेंगे। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इल्तिजा, एक गुजारिश, एक प्यार भरा, मोहब्बत भरा आपसे एक बात कि भाई चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत ख़तरनाक होती है, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आगे हम किस चीज़ पे वीडियो बना दें। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। वे प्रोटीन यानी कि घंटों जिम करने के बाद में आप जब आते हैं तो आपको प्रोटीन चाहिए। आप कभी खाने से प्रोटीन लेते हैं तो कभी वे प्रोटीन पैकेट से लेते हैं, किसी भी ब्रांड के पैकेट से। लेकिन क्या आप जानते हैं ये किससे बनता है? मैं बताता हूँ, ज़्यादा इसका प्रोसेस नहीं बताऊँगा, सिर्फ एक छोटी सी लाइन में, शॉर्ट में, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। ये बनता है चीज़ से। चीज़ का जो पानी होता है यानी मांड जो होता है, तो उसमें से वे निकाला जाता है, तब आपका कम्प्लीटली तैयार होता है वे प्रोटीन। लेकिन यहाँ भी ये तैयार नहीं होता, इसको 4-5 टेस्ट और काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्ड मशीनों से गुजरना होता है, तब जाके ये आपका वे प्रोटीन बन के रेडी होता है, जो आपको मसल बिल्ड करने में सहायता देता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं। इसके टाइप हैं तीन तरह के, एक है कंसंट्रेट, दूसरा है आइसोलेट, तीसरा है हाइड्रोलिसेट। कंसंट्रेट वे बोला जाता है पहले को, दूसरे को बोला जाता है आइसोलेट वे, और तीसरे को बोला जाता है हाइड्रोलिसेट वे। तो तीनों के बारे में बताते हैं, कंसंट्रेट प्रोटीन के बारे में। तो कंसंट्रेट प्रोटीन में 70-85% वे होता है, हालांकि ये अनफ्लेवर्ड होता है इसलिए ज़्यादा लोग इसे पसंद नहीं करते, लेकिन आप जानते हैं इसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिनको साइज़ गेन करना है प्लस प्रोटीन भी चाहिए, वो कंसंट्रेट वे के साथ में जा सकते हैं। इसमें लॉट्स ऑफ कार्ब्स होते हैं, इसमें आपको कार्ब मिलता है, इसमें आपको फैट मिलता है। तो जो पतले हैं, दुबले हैं और जिम जाने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं जिम, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं आइसोलेटेड पे। आइसोलेटेड प्रोटीन जो है वो उसमें 90% तक वे होता है। जी हाँ, 90% तक आपको वे मिलेगा इसमें। तो ये प्रोटीन उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो लीन बॉडी बना रहे हैं, बॉडी को कम कर रहे हैं, बॉडी को कट दे रहे हैं, उसमें सिक्स पैक, एब्स, ऑब्लिक शोल्डर कट और सारी चीज़ें जो दे रहे हैं, उनको ये इनटेक करना चाहिए, ये लाभदायक है और ये बहुत ही अच्छा है। वे प्रोटीन में हाइड्रोलिसेट जो है वो सबसे महंगा होता है, यानी काफ़ी कॉस्टली होता है और ऊंचे ब्रांड में ही ये आता है, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका वे कंसंट्रेट और वे आइसोलेट से भी ज़्यादा असरदार है और काफ़ी भयानक रिजल्ट है भैया, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। ये हो गए तीन टाइप्स आपके। अब आगे आपको बताते हैं, आप जब वे प्रोटीन लेते हो या वे प्रोटीन में अगर आप हाइड्रोलिसेट ले रहे हैं, तो इसके सेवन से, यानी हाइड्रोलिसेट वे प्रोटीन के सेवन से आपको एलर्जी का खतरा कम होता है। वे प्रोटीन में पाए जाने वाले कुछ गुण हैं, और वो गुण कौन कौन से हैं, इसमें पहला गुण है एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा है एंटी बैक्टीरियल और तीसरा है एंटी वायरल। जी हाँ, ये तीन गुण पाए जाते हैं। ये दिल की बीमारी, कैंसर, दूसरे कई प्रकार के बीमारियों को भी दूर रखने में मदद करते हैं, और तो और ये कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण में रखते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल को भी काबू में रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है। और जो लोग ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं, और ये ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर में भी काम आता है, ये उसको भी नियंत्रण में रखता है। और वे प्रोटीन उनके लिए भी अच्छा माना जाता है जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, वो इसका सेवन कर सकते हैं, ख़ासकर जो अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन है आइसोलेट, उसका सेवन करना ज़्यादा मुफीद रहेगा। अब बात कर लेते हैं वे प्रोटीन के नुकसान के बारे में। वे प्रोटीन के सेवन
से हालांकि कोई नुकसान नहीं होता, अभी तक कोई उतना रिजल्ट हेवी नहीं आया है, लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा इंटेक करते हैं, ओवर डोज लेते हैं, हेवी डोज ले रहे हैं, और हेवी डोज लेने के साथ साथ में आपका एक्सरसाइज हेवी नहीं है, अच्छी तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट डालेगा, जैसे कि पेट का फूल जाना, आपका ज़्यादा प्यास लगना, भूख कम लगना और भूख का घट जाना, थकान लगना, सिरदर्द होना आपका, और लेज़ीपन आ जाना, इन सब चीज़ों की समस्या आपको हो सकती है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं तो आपके लीवर पे भी ये चीज़ अटैक कर सकती है, तो इसलिए बी सेफ बी अवेयर लीजिए, लेकिन उतना लीजिए जितनी आपकी ज़रूरत हो, या फिर अगर आप ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं तो ज़्यादा एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अब बात कर लेते हैं इसके सेवन के बारे में, इसको कैसे लेना है, किस तरह लेना चाहिए। बेसिकली लोग दूध से लेते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप पानी से लो, क्योंकि वे प्रोटीन जब आप पानी के साथ लेते हो तो ये उसमें अच्छे से मिल जाता है, और साथ ही साथ ये प्री डाइजेस्टिव होता है तो जल्दी से आपके पेट में घुल जाता है, ठीक है, तो आप पानी से लीजिए। और दूसरी बात, अगर आप जिम शाम को करते हैं तो आप वे प्रोटीन को सुबह लीजिए, और अगर आप जिम सुबह करते हैं तो वे प्रोटीन को शाम को लीजिए, ये मैं करता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं पर रैप ऑफ करेंगे, और आप से यही गुजारिश है कि वीडियो कैसी लगी ये हमें बताएं, वीडियो को लाइक करें, बिग थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, जय हिंद।